जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब आप हमारे सभी कार्यक्रम चंदन दीवाना चैनल के माध्यम से देख सकेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इन कार्यक्रमों को जरूर देखें। और एक गीत आपने और गाया है, और ये 101 रुपए हमारे बड़े भैया बंटू गुप्ता जी, शिवानी गुप्ता जी, गौरी गुप्ता, अनमोल गुप्ता, सब परिवार की तरफ से आया। बहुत बहुत धन्यवाद है बंटू भैया को, और हम दोनों कलाकारों को यहाँ को बुलाने का श्रेय हमारे भैया को जाता है। इन्होंने ही फोन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस मिट्टी पर आपने हम लोगों को, छोटे से कलाकारों को बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 रुपया मूल्य मुद्रा है हमारे प्रकाश स्वीट्स मैन चौराहा दातागंज की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए प्रदीप भैया, जवाब की तरफ ध्यान दीजिए बड़े भैया, और बूंदें पड़ रही हैं, कुछ व्यवस्था करिए आप लोग। सुनिए, हाँ, दो चार बूंदें ऊपर से टपक रहे हैं। ये तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं हम लोगों के जवाब पर। अरे परियों जैसी हूर है, आशीर्वाद है जो कुछ भी टूटा फूटा है। सुनिए, अरे परियों जैसी हूर है फिर भी क्यों मजबूर है, आके मुझसे मिल जाने जा क्यों मुझसे तू दूर। अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला, अरे तौबा खुदा की करे तू है करिश्मा, और ये इसी धुन पर हमारे भैया सप्पू गुप्ता जी की तरफ से। बड़े भैया देखो, सौ तुम बड़े, हमारे पास कोई पैसा देने आता है तो भैया जरूर देते हैं, कितना मिल गया। जब जब पैसे हम कहें प्रदीप भैया देखो जा लगते हैं, जब पैसा आता है कितनी मिल गई, हद है रे। अरे तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे 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 बकड़े चश्मा, गोरे गोरे बकड़े चश्मा, गोरे गोरे बकड़े चश्मा। अब सुनिए बड़े भैया, और ये 11 रुपए हमारे भैया श्री उदित रावत दातागंज की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। चाचा जी, चाचा आप लिखते रहो, इधर आ जाओ आप। और ये 101 रुपए हमारे रमेश चंद्र गुप्ता जी, दादाजी हमारे पीलीभीत से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रदान कर रहे हैं दादा को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए प्रदीप भैया, प्रदीप भैया मैं अपने घर से एक बात निश्चित करके आया था, और तुम्हारी किस्म भैया देखो माता रानी सामने है,
मैं आज तुमसे लड़ूंगा नहीं ना, सिर्फ भाई भाई का प्यार देखना आज। आज चंदन के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो हमारा पहला कार्यक्रम हुआ, हम आपको नहीं जानते थे, आप हमको नहीं जानते थे, और हमारा भी कुछ नया है, हमने भी शुरुआत की थी तो चढ़ बैठे थे। लेकिन कोई बात नहीं बड़े भैया, आज बड़े शालीनता से कार्यक्रम आप भी कहेंगे चंदन। अरे खोए खोए लगते हो, उलझे उलझे लगते हो, वादा रहा, वादा रहा। ये 101 रुपए हमारे बिस्पाल भैया, बिस्पाल सिंह भैया, राघव जी सुखोरा की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं, बहुत दूर से लोग यहाँ सुनने आए हैं, सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाते तो महान कृपा होगी। आइए और ये 101 रुपए हमारे रजत भैया उर्फ छोटू भैया जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बड़े भैया, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं गीत को काटूंगा नहीं, ना मैं ये कहूंगा कि आपने गलत कहा, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तब आपने कहा है कि नौ देवियों की पूजा नहीं होती बल्कि किसी और की होती है। बहुत अच्छी बात, आपने नई बात रखी है, लेकिन छोटा भैया का भी प्रयास देखिए, गीत को फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा इनका पूजन नहीं होता, लेकिन सुनिए भैया क्या कह रहा है। लेकिन प्रदीप भैया एक बात छोटे भैया की गौर से सुनना, हमारे तो बच्चे नहीं है, तुम्हारे तो होंगे 15-20, अच्छा 30, 3 है कि 30? 30 ना ना, हम दो, हमारे दो। ये उमेंद्र यादव भैया जी की तरफ से 11 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोगों से निवेदन है मेरी, बात को सुनना। बड़े भैया की तरफ से बात आई, तमाम माताएं बहने बैठी हैं जिन्होंने मुझ जैसे न जाने कितने नायकों को पैदा किया होगा, मुझ जैसे तमाम बच्चे आप लोगों की गोदी में खेले होंगे, हमारे प्रदीप भैया जैसे, हमारे हम दोनों भाइयों जैसे कई पुत्र आपने जने होंगे। ये बबलू सिंह भैया, रानी सिंह जी, शेखर सिंह भैया, रंजीत सिंह भैया, सब परिवार की तरफ से आए हैं। ये 51 रुपए की मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। एक बार माताओं बहनों से फिर निवेदन, दादा ने कहा कि एक साल का बच्चा स्वाद नहीं जानता, जय हो, एक साल का बच्चा स्वाद नहीं जानता। बड़े भैया मैं किसी और की तो बात नहीं जानता ना, लेकिन मेरे भाई की छोटी सी पुत्री पैदा हुई है, और जो मुश्किल से भी होगी तो 4 या 5 महीने की होगी, सिर्फ इतना कह पाती है पा, हम जब जाते हैं तो कहती है पा। प्रदीप भैया ध्यान से सुनना मेरी बात, तमाम जनता जनार्दन सुन रही है, आपके 3 बच्चे हो गए, आपने ये पता नहीं लगा पाया कि एक साल के बच्चे को स्वाद मिलता है या नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं मैं मिलता है, जो मेरे घर में छोटी बच्ची है जो 5 या 6 महीने की होगी, उसको आप मीठा खिलाओ तो मुंह टेढ़ा करके थूक देती है, और हम जब उसको कोई नमकीन चीज खिलाते हैं तो बड़े प्यार से खाती है, अगर वो स्वाद नहीं जानती तो क्यों थूक देती और क्यों खा लेती है। भैया हमारे भैया भैया हमारे बेटे ने भी करेला खा लिया था और थूक दिया तुरंत। माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो लोग जानती होंगी, बच्चों को कुछ बच्चों को नमकीन पसंद होती है, कुछ बच्चों को मीठा पसंद होता है, और आप कह रहे एक साल के बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता। बोलो बड़े भैया, पता नहीं, आपने सब बातें सही कही हैं, लेकिन मैं इस बात को बस छोटे भैया की इसी पर टिप्पणी, गीत बिल्कुल अच्छा है, छोटे भाई का जवाब देखिए। आराम से, आराम से, और मेहनत कर दो इसको।
ये है राजधानी एक्सप्रेस, हाँ ये है पैसेंजर आराम करता। सुनिए बड़े भैया जवाब, छोटे भाई ने भी पढ़ा है और न मानो तो प्रमाण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था प्रमाण दे के जाऊंगा। और वैसे इनसे प्रमाण मांगा जाए कि आप सात कन्याओं को बता रहे थे कि वही गंगा बनी है और सात धारा में हो गई, तो क्या आप प्रमाण दिखा सकते हैं? लेखक महोदय, आप प्रदीप भैया, आप जो है सात कन्या एकत्रित हुई है, जो विष्णु की सात कन्या एकत्रित हुई है, थोड़ी हमको शंका है और उसे आप जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये 51 रुपए हमारे प्रशांत नागर भैया और 51 रुपए विपिन भैया जी बहेड़ा से प्रदान हुए, हम बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। बड़े भैया प्रदीप भैया नोट करिए आप, और हमारे पंडित जी भी बैठे थे, वो भी तमाम कार्यक्रम कराते हैं, उनको भी मालूम होगा। सबसे प्रथम मैया का दिन होता है शैलपुत्री, जिनको गाय के घी का भोग लगता है। बड़े भैया गाय के घी का भोग लगता है जो रोगों से मुक्ति दिलाता है। दूसरा ब्रह्मचारिणी मैया जिनको शक्कर का भोग लगता है जिससे उम्र बढ़ती है। तीसरा चंद्र घंटा जिनको दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगता है जिनसे दुखों से छुटकारा मिलता है। पंडित जी महाराज अच्छा काना फूसी कर तू चेला में कर। कुष्मांडा मैया इनको मालपुए का भोग लगता है, और स्कंद माता जिनको केले का भोग लगाया जाता है। कात्यायनी मैया इनको शहद और मीठे पान का भोग लगता है, और काल रात्रि को गुड़ का भोग लगता है, और महागौरी को नारियल का भोग लगता है, और सिद्धदात्री को तिल का भोग लगता है। बड़े भैया इसका प्रमाण मेरे पास है, न मानो तो मैं दिखा के जाऊंगा। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम लोगों ने स्कूल के पीछे खड़िया नहीं खाई है, बहुत अध्ययन किया है। अरे दो बरस की कन्या को अरे पिता भोग लगाइए, तीन बरस की कन्या को शक्कर सहित जिमाइए। आखिर भोग किस किस का लगाया जाता है, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, उन नौ कन्याओं को मैं आपके गीत को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहा हूं, भोग कैसा लगता है? अरे घी से तनिए आरोग्य बने और शक्कर से बढ़ती उम्र है, और माँ को जो भी भजता है प्यारे जोता उम्र है। अरे चार बरस, बड़े भैया चार बरस की कन्या को है देखो ये मिठाई। बड़े भैया सुनिए गाना बजाना, प्रदीप भैया चार बरस की कन्या को है दूध की मिठाई, और लेखों में पढ़ा हमने उन्हीं ने सिखाई उन्हीं ने बताई। चार वर्ष की कन्या को हो दूध की मिठाई, चार वर्ष की कन्या को हो दूध की मिठाई। और सुनिए आगे, पांच वर्ष की कन्या को भोग लगाने से क्या फायदा होता है, मैं आपको गिना चुका हूं, फिर अगर आपको समझ में आए तो मैं पर्चा भेज दूंगा, आप लिख लेना। पांच बरस को माल पुए, अरे बुद्धि का ये विकास करे, और छह बरस की केला को, छह बरस की केला का
काया को ये निरोग करे, काया को ये निरोग करे, काया को ये निरोग करे। अरे सात बरस को मीठा पे दुनिया में ये प्रसिद्ध करे, जो भी बेटा माँ को माने मैया दुखने दूर करे। अरे आठ वर्ष की गुण तो यही है निभाई, आठ वर्ष की गुण तो यही है निभाई, आठ वर्ष की कन्या को आठ वर्ष को गुण तो यही है सिखाई, आठ वर्ष को गुण तो यही है सिखाई। तो अरे लेखों से हमने यही देखी पढ़ाई, पढ़ी है पढ़ाई, लेखों से हमने गौरी को नारियल का और मैया सिद्धदात्री को तिल का भोग लगता है। बड़े भैया मेरे पास प्रमाण है, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो सिर्फ अपने पास से भेड़ दी जाए। आप चाहें तो प्रमाण देख सकते हैं।